सभी को। मेरा नाम आदिक सिंह है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उस कहानी का नाम है कि पेड़ हमारे मित्र हैं। एक बार एक जंगल में लकड़ारा जा रहा था, उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा। उसने सोचा अगर मैं इस पेड़ को काटूंगा तो मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ मिलेगी और मैं उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचूंगा। पर लकड़ारा अपनी कुल्हाड़ी नहीं लाया था, तो उसने सोचा कि वो कुछ दिनों बाद आएगा। लकड़ारा जब कुछ दिनों बाद आया, उसने देखा कि उस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला बना है और इसमें चिड़िया और चिड़िया के बच्चे रह रहे हैं। तो उसने सोचा अगर मैं उस पेड़ को काटूंगा तो चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाएंगी और रहेंगी कहाँ। तो फिर उसने फिर से सोचा कि वो कुछ दिनों बाद आएगा। फिर वो लकड़ारा कुछ दिनों बाद आया। उसने देखा कि उस बड़े पेड़ पर बहुत सारी तितलियाँ और चिड़िया हैं। तो उसने सोचा अगर मैं इस पेड़ को काटूंगा तो ये सारी चिड़िया और तितलियाँ कहाँ जाएंगी। तो फिर उसने फिर से सोचा कि वो कुछ दिनों बाद आएगा। फिर उसने देखा कि उस पेड़ पर फल लगे हुए थे और जानवर उन फलों को खा रहे थे। तो लकड़ारा गर्मी के मारे पेड़ के नीचे सो गया था। जब लकड़ारा उठा, उसने सोचा कि इस पेड़ ने जानवरों को फल दिया है और चिड़िया अपना घोंसला बनाती है यहाँ पर, और इस पेड़ ने मुझे बहुत सारी छाया दी है। तो हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ हमारे मित्र हैं। आज से मैं कभी भी पेड़ नहीं काटूंगा। धन्यवाद।